Hey guys, what's up? This is Gyan from Study for Civil Services और आज मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स जो कि वर्किंग पीपल के लिए, जो लोग कहीं भी जॉब कर रहे हैं, कुछ इंप्लॉयमेंट कर रहे हैं, कुछ अपना धंधा कर रहे हैं और फिर भी उनके अंदर ऐसी ललक है, कुछ लालसा है कि कोई स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी या फिर एसएससी, कोई भी एग्जाम, उनको कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकालना है जिंदगी में, उनके लिए मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स देना चाहूंगा। देखिए, अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो आप जाते होंगे, आपका ट्रैवलिंग टाइम कुछ लगता होगा, 1 घंटे या फिर 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे। अगर आप बस से ट्रैवल करते हैं, अगर आप मेट्रो से ट्रैवल करते हैं, या फिर अगर आप कैब से ट्रैवल करते हैं, या फिर कहीं भी देखिए, जो भी अगर कोई भी एमएनसी में होगा या फिर बड़ी कंपनी में होगा, तो वहां पे कैब में जनरली लोग ट्रैवल करते हैं, तो काफी टाइम उसमें फ्री रहता है। तो आप ऐसा करिए, एक मैंने वेबसाइट बताई थी आपको पहले भी, AIR न्यूज का आप जाइए और वहां पे डेली का होता है उसमें न्यूज, उसमें डेली होता है एक टॉपिक, सामयिकी होता है हिंदी में और न्यूज एनालिसिस करके होता है इंग्लिश में। चाहे आप हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, दोनों के लिए आप उसमें टॉपिक सुनिए। वो पर डे का टॉपिक होता है, मतलब जो भी एडिटोरियल लिखा जाता है या फिर पर डे जो भी एक बड़ा मुद्दा चल रहा होता है उस पर डिस्कशन करते हैं। AIR न्यूज, DD न्यूज, राज्यसभा, ये तीनों आपको देखने हैं। ये तीनों सबसे इंपॉर्टेंट टीवी चैनल हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो आप ऐसा करिए, अपने फोन पे, आपके पास फोन पे मेमोरी होती है, आप उस पे कई सारे AIR से, आप अपनी वेबसाइट से डायरेक्ट उसमें सामयिकी वाला टॉपिक उसमें डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आप क्या करिए कि देखिए, हिंदी में सामयिकी है, इंग्लिश में है न्यूज एनालिसिस। आप अपने मोबाइल पे उसको डाउनलोड कर लीजिए। 10 मिनट का होता है सामयिकी, 15 मिनट के करीब होता है न्यूज एनालिसिस इंग्लिश में। तो अगर आपने ये अपना ट्रेवलिंग जब भी आप कर रहे हैं, सुबह जब आप जा रहे हैं, तो एक टारगेट बना के रखिए कि या तो आप जैसे कुछ ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, द हिंदू का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, इनशॉर्ट करके एक ऐप आता है, उसमें कई सारी न्यूज आ जाती है, कुछ भी ऐसी चीजें आप, मतलब या तो आप कान में लगा लें तो उसमें पूरा डिस्कशन सुनते हुए जाएं। आपका मान लीजिए ट्रेवलिंग टाइम कुछ भी हो, 40 मिनट हो, 45 मिनट हो, लेकिन आप दो टॉपिक आते टाइम, दो टॉपिक जाते टाइम, चार टॉपिक आपके कवर हो गए। बीच में आपका और रहता है लंच, उसके बीच में भी कई बार, देखिए मैं खुद मारुति सुजुकी में जॉब कर चुका हूँ और टाटा मोटर्स में जॉब कर चुका हूँ और हेंकल में जॉब कर चुका हूँ, तो मुझे पता है टाइम बहुत फ्री रहता है। अगर आप लोग कोई बीटेक करके गया है या फिर एमबीए करके गया है, अंदर आपको कंपनी में बहुत सारा टाइम फ्री मिलेगा। अगर आप लोग चाहें तो उसको बिल्कुल यूज कर सकते हैं। ये आपका टारगेट होना चाहिए कि जब भी आप ऑफिस जाएंगे और ऑफिस से वापस आएंगे, तो आपकी डेली की जो न्यूज है, डेली का जो करंट अफेयर्स है, वो आपका कवर होना चाहिए। और अगर आपने AIR न्यूज, DD न्यूज और ये सब भी देखिए, राज्यसभा में आता है एक देश देशांतर, एक आता है बिग पिक्चर। देश देशांतर हो गया हिंदी के लिए, बिग पिक्चर हो गया इंग्लिश मीडियम के लिए, और एक इंटरनेशनल रिलेशन के लिए आता है इंडियाज वर्ल्ड। ये सब अगर आप देख लेंगे तो डेली का जो एडिटोरियल आपको हिंदू में पढ़ना पड़ता है, द हिंदू में एडिटोरियल पढ़ना पड़ता है, वो उसका सब्स्टिट्यूट हो सकता है ये राज्यसभा का। ये प्लस जो ऑल इंडिया रेडियो का जो डिस्कशन होता है डेली का, वो 10 मिनट का या 15 मिनट का होता है, वो तो वो आप सुनिए। इससे आपका जो डेली का एडिटोरियल है, वो पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। और कोई भी चीज अगर आप सुनते हैं, कोई डिस्कशन देखते हैं, तो उसको पहले आप, अगर मान लीजिए आपने 10 मिनट का डिस्कशन सुना, तो 2 मिनट अपने माइंड पे थोड़ा सा कंसेंट्रेट करिए, आंख बंद करिए और उसमें सोचिए कि इस टॉपिक में मैंने क्या क्या पॉइंट सीखे, क्या क्या इसके प्रोज हैं, क्या क्या कॉन्स हैं, क्या क्या वे फॉरवर्ड होगा और ये टॉपिक किसके बारे में था, ये सब चीजें आपको जाननी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई पहली, ये टिप बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम देखिए, टाइम नहीं रहता है वर्किंग, जो भी लोग हैं अगर वो लोग तैयारी करना चाहते हैं, उनके पास 4-5 घंटे ही होते हैं, उसी में सब मैनेज करना है। तो आप ऑफिस जाते टाइम में टारगेट बना लो कि आपको करंट अफेयर्स वाला पूरा खत्म करके आना है, ऑफिस जाने से लेके लंच के बीच में से लेके लास्ट तक डेली का वो हो गया। और प्लस उसी बीच में आपको यूट्यूब से डेली एक आता है उसमें राज्यसभा में, जैसे देश देशांतर, वो आपको डेली सुनना है। और बिग पिक्चर जब आता है तब सुनिए। अगर DD न्यूज पे कई सारे प्रोग्राम आते हैं, आमने सामने आते हैं, इंडियाज फर्स्ट आता है, इवन जो साइंस से रिलेटेड होते हैं, साइंस के करंट अफेयर्स से रिलेटेड होते हैं, वो भी एक राज्यसभा में एक प्रोग्राम आता है, ज्ञान विज्ञान हिंदी में आता है और साइंस मॉनिटर आता है इंग्लिश में, तो उसमें साइंस की भी काफी सारी न्यूज कवर हो जाती है। और देखिए, अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको गवर्नमेंट की साइट पे ही जितना डेटा है, जो गवर्नमेंट इतना सारा डेटा प्रोवाइड कर रही है, वही कई सारा डेटा आता है एग्जाम्स में। और दूसरा, अगर आपको डेटा चाहिए, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, PIB करके एक साइट है, यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, वहां पे जो भी डेटा होता है पूरा ऑथेंटिक होता है और वो आपको
कोई भी फैक्ट या फिर किसी भी चीज के लिए जरूरी हो तो आप पीआईबी से जो न्यूज होती है उसकी आप पढ़िए उसमें। तो ये पहली टिप हो गई। दूसरी टिप है कि आपको एनसीईआरटी पे फोकस करना है। अगर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम आपका वो बेसिक जो कोर्स है, इंग्लिश में आप आंसर लिखना प्रेफर करते हैं, तो एनसीईआरटी की ज्योग्राफी के लिए 6 से लेकर 12 तक पढ़ डालिए। मैंने इसमें स्टार्ट कर दिया 6 क्लास की, अभी लास्ट के 3 चैप्टर बचे हैं, लेकिन मैं उसमें काफी सारे एफर्ट डाल रहा हूँ कि वो जो यूपी पीसीएस एग्जाम है, जो स्टेट पीसीएस है, उसमें कई सारी लिस्ट ऑफ माउंटेन्स, लिस्ट ऑफ माउंटेन रेंजेस, स्टेट, ये सब मैं उसमें बना रहा हूँ। इससे थोड़ा टाइम लग रहा है, तो वो मैं बना दूंगा। वो क्लास 6 की नहीं होगी, उसका नाम सिर्फ क्लास 6 है, लेकिन उसमें काफी सारे फैक्ट होंगे जो कि आपके एसएससी और स्टेट पीसीएस पे और यूपी पीसीएस पे, जितने भी स्टेट पीसीएस है सब में आते हैं। तो ये एनसीईआरटी आपको करना है ज्योग्राफी के लिए, बिल्कुल किसी भी तरह टाइम निकालिए, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए अपने। देखिए आजकल स्मार्टफोन का जमाना है, आप एनसीईआरटी का ऐप आता है अपने, उसमें डाउनलोड करो तुरंत। 6 से लेकर क्लास तक डेली का टारगेट बनाओ, 6 क्लास की आपकी हो जाएगी। कि अपने हिसाब से टारगेट बनाओ, मान लीजिए आपकी कैपेसिटी है कि आप 6 क्लास की ज्योग्राफी आप 4 दिन में खत्म कर पाएंगे, 8 चैप्टर है, आप उसी हिसाब से करिए। तो उस हिसाब से आप डेली का टारगेट बनाइए कि एनसीईआरटी की ज्योग्राफी पढ़नी है। और देखिए एक साथ ऐसा नहीं कि ज्योग्राफी पे एक बार जुट गए तो पूरी खत्म करके ही मानेंगे, ऐसा मत करिए। ज्योग्राफी पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए, कुछ कुछ इकोनॉमी पढ़िए। इकोनॉमी के लिए 9 से ये है, 9 से एनसीईआरटी की बुक है, 9 से लेके 11 तक आपको इकोनॉमी पढ़नी, प्लस 12th की आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी है, और प्लस इकोनॉमी में जनरली करंट अफेयर्स आता है। और या फिर मैंने एक यूट्यूब चैनल बताया आपको, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो वो हो गई इकोनॉमी के लिए। हिस्ट्री के लिए मैंने आपको बता दिया, ओल्ड हिस्ट्री की बुक्स आती हैं, ओल्ड एनसीईआरटी की बुक्स आती हैं हिस्ट्री के लिए 11th क्लास की, वही मिडिवल एंशियंट और वो सब जितना भी है। मॉडर्न के लिए विपिन चंद्र और प्लस स्पेक्ट्रम, इतना पढ़ लीजिए। और बाकी आप कई सारे पेपर वेपर जो पिछले 10 सालों के होते हैं वो अभी मैं स्टार्ट करूंगा, तो वो भी हम लोग करेंगे। और कई सारी चीजें और भी करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि आप वर्ल्ड मैप में अगर कुछ पढ़ रहे हैं तो उसमें अपना लिखते रहिए ऊपर। तो ये सब टिप्स करिए आप, अब जब कहीं जा रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, कुछ मतलब कहीं अगर आपको कुछ, जैसे आप में जो भी स्टडी रूम है वहां पे ऐसे छोटे छोटे चार्ट पेपर बना के अपने जो भी टॉपिक है उसमें लगा लीजिए। देखिए जैसे प्लानिंग इन इंडिया अगर है तो प्लानिंग इन इंडिया में पूरा मैंने इसमें लिखा हुआ है कि प्लानिंग इन इंडिया कैसे है, स्टार्ट कहाँ से हुआ, प्लानिंग कमीशन क्या है, योजना आयोग क्या है, क्या क्या पर्पज है उसके, क्या प्रोज है, क्या कौन से, ये सब आप करिए। तो एनसीईआरटी से हो जाएगी आपकी हिस्ट्री और ज्योग्राफी भी हो जाएगी एनसीईआरटी से, इकोनॉमी भी करंट अफेयर्स के साथ हो जाएगी। और आपको पॉलिटी के लिए एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, पॉलिटी के लिए आपको क्या पढ़ना है, एम लक्ष्मीकांत की बुक आती है वही आप पढ़िए। सिर्फ एक बुक उठाइए और उसी को 3-4 बार पढ़िए, हो जाएगा उससे काम। करंट अफेयर्स के लिए आप तो स्टेट पीसीएस के लिए अगर आप कर रहे हैं तो डेली का पढ़िए। अगर आप देखिए ड्राइव कहीं भी वर्किंग है तो फिर आप न्यूज अगर डेली सुनते हैं तो आपको करंट अफेयर्स, अगर आप कोई एक मैगजीन ले लेंगे लास्ट टाइम पे, जैसे यूपी पीसीएस के लिए अभी घटना चक्र आ गई और लक्ष्य आने वाली है जो परीक्षा मंथन की होती है वो भी, और प्लस मैं भी जो अभी वीडियो डालूंगा वो उससे भी हो जाएगा आपका। जितने भी ये सब है इनकी समरी मैं वैसे ही बना दूंगा। तो करंट अफेयर्स के लिए आपको स्टेट पीसीएस के लिए उसकी आप टेंशन मत लो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो भी मैं बना रहा हूँ और प्लस धीरे धीरे हम सब कवर करेंगे धीरे धीरे। लेकिन पहली बात ये है कि आप ऐसे हार मत मानो, और 4 घंटे जितना आपका टाइम मिले जब भी मिले उसको पूरा यूज करो आप। अगर आपके अंदर ये पैशन है कि नहीं आपको तैयारी करनी है तो आप कहीं ना कहीं से टाइम निकाल लोगे। कई बार जैसे जॉब में मैंने बताया, कई बार फालतू टाइम रहता है उसको यूज करो, उस टाइम पे यूट्यूब के वीडियोस देखो, हमारे वीडियोस देखो, और भी कई सारे वीडियोस हैं, जैसे ये ब्रूडाल के काफी अच्छे वीडियोस हैं उसके वीडियोस देखो आप, और उसमें फिर सर्च करते रहो। देखिए कई सारे मैंने बताया कि अपने मोबाइल में आप ऐप डाउनलोड कर लो एनसीईआरटी का पूरा, उसमें क्लास 6 से लेकर अपना टारगेट बना लो। कि रास्ते भर में मान लीजिए आप जाते टाइम में सामयिकी के, ऑल इंडिया न्यूज, ऑल इंडिया रेडियो के न्यूज वाले, या तो सामयिकी या फिर न्यूज जो स्पॉट एनालिसिस होती है वो आपको करनी है, या फिर आप ऐसे यूट्यूब में वीडियो देखते देखते आप राज्यसभा का देश देश अंतर देख डालो, द बिग पिक्चर देख डालो, कोई भी ये सब चीजें करनी है। तो ये पहली, ये दूसरा वीडियो है टिप्स, और ये सब जो वर्किंग पीपल है उनके लिए है। जीएस के लिए मैंने पूरा ये बता दिया आपको। ऑप्शनल के लिए अगर आप देखें तो स्टेट पीसीएस में यूपी पीसीएस की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, जहां पे 2 ऑप्शनल होते हैं, एक आप ले सकते हैं सोशल वर्क अगर आपने कोई भी अभी तक नहीं किया है,
और उसमें सोशल वर्क का सिलेबस काफी छोटा होता है, अगर आप बोलेंगे तो मैं पूरा वीडियो उसमें बना दूंगा। उसमें स्ट्रेटेजी अगर उसमें देखिए, उसमें वो इसलिए ले सकता है क्योंकि उसमें कोई भी आदमी कुछ लिख सकता है और उसमें आपको नंबर मिलेंगे पक्का। सोशल वर्क एक ऐसी फील्ड है जो आप कई बार अगर एडिटोरियल पढ़ते हैं या फिर न्यूज डिस्कशन करते हैं या फिर नॉर्मल की लिविंग रिलेशन में क्या डिफरेंस होता है, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं सोशल वर्क में, सोशल वर्क की क्या जरूरत पड़ती है। और उसके कई सारे वीडियोज भी हैं यूजीसी सीईसी में, मतलब वो ऐसा सिलेबस है, वो ऐसा सब्जेक्ट है जिसको कि 15 से 20 दिन में कवर किया जा सकता है। तो ये मैं कर सकता हूं अगर आप लोग चाहें, और बाकी आप कोई भी ऑप्शनल का अगर सब्जेक्ट लेना है अपने हिसाब से लीजिए, जहां पे आपका इंटरेस्ट है, जहां पे पढ़ने में आपको इंटरेस्ट आता है, मजा आता है। किसी दूसरे की राय मत लीजिए, मेरी भी राय लीजिए, लेकिन फाइनल जो डिसीजन है वो आपका होना चाहिए, इससे आपको बाद में पछताना नहीं पड़ेगा। तो चलिए फिर, अगर आपको पहली टिप वाला वीडियो अच्छा लगा तो जरूर इस पर कमेंट करिएगा, फिर मैं आगे भी ऐसे वीडियो बनाता रहूंगा, वरना मैं ऐसे वीडियो नहीं बनाऊंगा। चलिए, थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय।